नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूं, UPSSC का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी आपकी 7th वीडियो है। इसमें आपको जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पसंद है तो लाइक करना ना भूलिए, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नया भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, इससे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। इसके PDF प्राप्त करने के लिए हम टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली जो वीडियो मिलती है उसकी PDF मिल जाती है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो पहला ही पॉइंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई है। तो आपको बता दूँ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो आपकी 1998 से 99 के बीच शुरू की गई, मतलब 1998 से 1999 के बीच शुरू की गई थी। और इसके चलते मतलब जो भी किसान थे, इनकी जो कृषि संबंधी इसको ऋण देने और उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त समय पर ऋण की सुविधा प्राप्त प्रदान करने की सहायता से संबंधित था आपका किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो आपको बता दूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषाएं हैं वो हैं आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एंड स्पेनिश, ठीक है। इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश है, ठीक है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने उद्देश्य से 1995 में मध्यान्ह योजना चलाई गई थी। तो आपको बता दूं, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, इसके उद्देश्य से आपका 1995 में मध्यान्ह योजना चलाई गई थी, ठीक है। अगला, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग के संगठन का एक अग्रदूत है। तो आपको बता दूं, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग के संगठन का अग्रदूत है, तो वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज, ठीक है। अगला है आपका, निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया है। तो आपको पता होगा, जो आपके B.R. अंबेडकर थे ना, इन्होंने सभी 3 गोलमेल सम्मेलन जो भी हुए थे समय में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। अगला, मौजूदा समय महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ था। तो आपको बता दूं, आपका कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर इसका शुरुआत की गई थी, और मतलब आपके 11 अप्रैल 2005 में यह शुरुआत की गई थी और इसी दिन इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो आपका कृषि क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर एरिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला, आपका इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो आपको बताऊँ, इकोनॉमिक सर्वे जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, मतलब कि वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और जो आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित होता है। अगला है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो आपको बता दूं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा आपका 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, जिसके तहत मतलब आर्टिकल 80 का के तहत ये आपका अधिकार है राष्ट्रपति को कि राज्यसभा में 12 व्यक्ति को नामित कर सकता है जो आपके साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखता हो, ठीक है। अगला, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो आपको बता दूं, सहवाज गढ़ी जो आपका एक गाँव था, इसको आपका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। और मतलब ये गांव और एक ऐतिहासिक स्थल भी है, ठीक है, जो कि आपके पाकिस्तान के मर्दाना जिले में स्थित है, आपका ये पाकिस्तान के मर्दाना जिले में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला, आपका हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। तो आपको बता दूँ, हंटर आयोग ने आपको जो प्राथमिक शिक्षा थी आपकी, जो प्राथमिक शिक्षा के सुधार में आपका हंटर आयोग ने अधिक बल दिया था। और मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी आपका ब्रिटिश शासनकाल में आपकी 1882 में की गई थी, उस समय जो आपके वॉयस आए थे वो आपको लॉर्ड रिपिन थे, ठीक है, लॉर्ड रिपिन, ठीक है, इनके शासनकाल में हंटर आयोग का गठन हुआ था। उसके जो मतलब किस पर अधिक बल दिया गया था, वो आपका प्राथमिक शिक्षा पर। अगला, आपका विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा रक्षित कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो आपको बता दूँ, विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा रक्षित जो आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और मतलब आपको ये मुद्रा रक्षित 34 शताब्दी में रचित एक ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है, ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। अगला, आपका जीव की आंतरिक संरचना के अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। जो आपके जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है
उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान, आपकी शरीर रचना विज्ञान बोलते हैं आपका एनाटॉमी, एनाटॉमी बोलते हैं आपका जीव की आंतरिक संरचना के अध्ययन करने वाले शास्त्र को। अगला, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है, तो आपको बता दूं स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग है वो आपका प्रकाश के बिखरने, प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई पड़ता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आपका स्वच्छ आकाश का रंग है जो नीला दिखाई पड़ता है। अगला आपका लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है, तो आपको बताऊँ लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से जब देखा जाता है तो आपको बताऊँ ये काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला आपका किसका सबसे अधिक आवर्तनांक होता है, तो बता दो आप सभी को पता होगा जो आपका हीरा होता है ना डायमंड, इसका सबसे अधिक आवर्तनांक होता है, ठीक है। इसका जो आवर्तनांक होता है वो आपका 2.4 होता है, ठीक है, हीरा का आवर्तनांक 2.4 होता है। अगला आपका कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है, तो आप कह दो कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जो आपका जूल होती है, ठीक है, जूल होती है कार्य तथा ऊर्जा की इकाई। अगला, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहते हैं, तो बता दूं आपका उस बुक को बोलते हैं आपका कलर ब्लाइंडनेस, मतलब वर्णहीनता बोलते हैं आपके, जिसमें किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, मतलब इसमें लाल एंड हरे रंग को नहीं पहचान पाता आपका कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो आपको बता दूं आपका जो कैडमियम है ना ये आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता, बाकी आपके ये यूरेनियम रेडियम थोरियम ऐसे आपके रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, ठीक है। अगला, कमरे के तापक्रम पर कौन सी आधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो आपको बताओ मतलब कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, वो पाई जाती है कि ब्रोमीन, ब्रोमीन पाई जाती है, इसका सूत्र था Br, ठीक है। इसकी खोज जो की थी 1825 में आपकी वेलॉर्ड ने की थी, ठीक है, वेलॉर्ड ने इसकी खोज की थी ब्रोमीन की, ठीक है। अगला आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या होता है, तो आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप का जो अर्थ है ना वो होता है आपका विजुअल स्क्रीन, विजुअल स्क्रीन होता है कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ। अगला, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स सेट्स कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं इसमें रिसोर्स होता है शेयर्ड, मतलब कि शेयर कॉमन रिसोर्स, मतलब कि कोई एक कॉमन चीज़ होती है उसको शेयर करते हैं, तो वो होता है आपका प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर होता है जो आपका शेयर रिसोर्स, शेयर कॉमन रिसोर्स होता है, ठीक है। अगला, आपका कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए उसमें स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका रिट्रीव, रिट्रीव कहलाता है कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए। अगला, आपका निम्न में से DBMS, DBMS की पहचान कीजिए, मतलब डाटा बेस मैनेजिंग सिस्टम, तो होता है आपका PL या SQL, PL या SQL होता है आपका DBMS, ठीक है। अगला का परमानेंट इंस्ट्रक्शन किसमें होते हैं, वे ऑन किए जाने पर कंप्यूटर जिन्हें प्रयोग में लाता है जिन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शन में चेंज मतलब परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब वो परमानेंट इंस्ट्रक्शन बताने आपके जो होते हैं और उन्हें ऑन जब करते हैं तो कंप्यूटर उन्हें यूज करता है, ठीक है, पर उन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं कर सकते, तो वो होते हैं आपका रॉम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। अगला, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, मतलब अगर हम कोई फाइल तैयार कर रहे हैं प्रिंट मतलब कि पेंट में या एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल एक्सेट्रा जो भी है, उसमें प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं, तो आपको बता दूँ फाइल, जो फाइल होता है पहला ही मेनू, उसी में आपका प्रिंट का ऑप्शन आता है, उसका जो शॉर्टकट होता है वो आपका कंट्रोल प्लस पी होता है, ठीक है, प्रिंट करने का। अगला, आपका एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज करते हैं, तो आपको बता दूँ एमएस वर्ड में स्पेलिंग ठीक करने के लिए आपका स्पेशल चेक प्रोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है, स्पेशल चेक प्रोग्राम का यूज करते हैं। अगला, आपका उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्यतः कंप्यूटर सिस्टम के भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम के बाद में जोड़े जाते हैं, तो आपको बता दूं वो होते हैं आपके पेरिफेरल, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जो आपका मुख्यतः कंप्यूटर सिस्टम से बाद में जोड़े जाते हैं, ठीक है। अगला, आपका पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, ठीक है, यहाँ पीताम्बर पद समास है, यहाँ आपका समास पूछा है कि पीताम्बर पद है जो आपका समास पूछा कि यहाँ पर पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद समास है, तो आपको बता दूं बहुव्रीहि समास है आपका पीताम्बर, ठीक है, यहाँ पर पीताम्बर की बात हो रही तो आपका बहुव्रीहि समास है। अगला, कामयानी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है,
तो आपका कामयानी रचनाकार के महाकाव्य का नाम है वो है आपका जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको बता दूं, जो आपका अनिल है ना, ये आपका अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपका वायु शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी आपके कृषाणु, उताशन, बही, ये सब आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला, असुरक्षित शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो आपको बता, असुरक्षित शब्द में जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका आ प्लस शु, आ और शु दोनों उपसर्ग लगे हैं, आपके मूल धातु रक्षा होती है, ठीक है, जिसका अर्थ है रक्षा करना, और जिसमें आ एम शु उपसर्ग आ रहा है, ठीक है, इत प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है, ठीक है। जो ये होते मतलब कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो आपके शुरू में आते हैं, ठीक है, किसी भी शब्द के, और आपका अगर प्रत्यय की बात की है तो आपके अर्थ मतलब कि बाद में आते हैं किसी भी शब्द के, ठीक है। यहाँ पे उपसर्ग पूछा तो वहाँ आ और प्लस शु, ठीक है। अगला आपका कि ये आपका जो चिन्ह दे रखा है, इसको कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो आपको इसका चिन्ह का नाम बताना है, तो होता है आपका अर्धविराम, अर्धविराम होता है आपका कोष्टांकित चिन्ह का नाम, ठीक है, जो ऐसे करके लगता है। अगला, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, वाक्य के आधार पर दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? तो आपको बता दूं, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, मतलब दोनों बार आया कोई शब्द है जो ये आपका कोई है ना, ये दोनों मतलब कि सर्वनाम, मतलब कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, तो इसमें जो भेद अशुद्ध है तो आपको दोनों बार आया है जो कोई है ना वो सर्वनाम है, ठीक है। अगला आपका मह प्लस ईश का संधि रूप क्या होगा? तो आपका महा प्लस ईश का जो संधि रूप होगा वो आपका महेश होगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो आपको बता दूं, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, आपका भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है। अगला आपका, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बता दूं, नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, नेल्सन मंडेला। और मतलब अभी जो 18 जुलाई 2018 को मनाया गया, इसकी जो थीम थी ना, वो थीम थी आपकी लोगों की विश्व के शांति एंड सौहार्द के लिए बदलाव हेतु प्रेरित करना, मतलब लोगों को शांति और सौहार्द हेतु के बदलाव के लिए प्रेरित करना, ठीक है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी जो। अगला, जुलाई 2018 को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और आयरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के बीच पारस्परिक समानता हेतु समझौता हुआ, ठीक है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आपको बता दूं, भारतीय संस्थान चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की जो स्थापना हुई वो आपका 1949 के बीच हुई है, और आपका भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और आयरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के बीच पारस्परिक समानता हेतु समझौता हुआ है। अब आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने NCC और NSS के बीच तालमेल कायम करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया? तो आपको बता दूं, अनिल स्वरूप, अनिल स्वरूप की अध्यक्षता में आपका NCC और NSS के बीच तालमेल कायम करने की अध्यक्षता की एक समिति का गठन किया। अगला, जयपुर योग महोत्सव 2018 का आयोजन किसके द्वारा केंद्रीय आयुष मंत्रालय के केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग में किया गया? तो वो किया गया आपका अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आपका केंद्रीय आयुष मंत्रालय के केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला आपका, हाल ही में प्रोफेसर NN बिक का निधन हो गया, वह थे? जो आपको बता दूं, प्रोफेसर NN बिक का निधन होगा, ये आपका मनोचिकित्सक थे, ठीक है। अगला, 9 से 10 जुलाई 2018 के मध्य छठवीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आपको बता दूं, 9 से 10 जुलाई 2018 के मध्य छठवीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी केप टाउन, जो कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका सिटी है, एक मतलब कि इसमें यहाँ पर छठवीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, और इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी डीपिंग ब्रिक्स एजुकेशन पार्टनरशिप एंड एक्सचेंजेस, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला मछली पालन और मत्स्य विज्ञान कॉलेज किस जिले में स्थापित है? तो आपको बताऊँ, छत्तीसगढ़ का पहला मछली पालन और मत्स्य विज्ञान कॉलेज जो आपका कबीरधाम में स्थापित है। सरकार द्वारा रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपको बता दूं, रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपका सोनभद्र रेलवे स्टेशन रखा गया है, और आपको पता ही होगा दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन वो रखा गया आपका मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। और अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका योगी आदित्यनाथ जी ने आपका इलाहाबाद का भी नाम चेंज किया, वो कर दिया आपका प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज।
अगला आपका, हाल ही में कानपुर दिल्ली के मध्य हवाई सेवा शुरू की गई है, तो आपका दोस्तों कानपुर दिल्ली के मध्य हवाई सेवा जो शुरू की गई वो आपके स्पाइस जेट शुरू की गई है। अगला, हाल ही में किस विमानन कंपनी द्वारा ताइवान का नाम परिवर्तित कर चीन ताइपे कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया आपका एयर इंडिया, एयर इंडिया का आपका नाम बदलकर चीन ताइपे कर दिया गया है। अगला आपका, फार्मूला वन कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब किसने जीता है, तो आपका दोस्तों फार्मूला वन कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब जो आपका सेबेस्टियन बैटल ने जीता है, ठीक है, सेबेस्टियन बैटल ने जीता है। और कल आपकी बारी थी फार्मूला कार्बन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की अगर बात की थी तो वो आपका लुइस हैमिल्टन ने जीता था, और आपका ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2018 वो आपका सेबेस्टियन बैटल ने जीता है। अगला, किस तिथि को देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 29 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच आपका सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। अगला, उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों 2018 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको बता दूँ उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेल 2018 का पहला संस्करण जो है वो आपका इम्फाल में, जो कि मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2018 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और यह जो आपका स्टेडियम की बात की जाए तो वो थी आपका कुमामन लंपक स्पोर्ट्स कैंपस, स्टेडियम का नाम है, ठीक है, कुमानम लंपक स्पोर्ट्स कैंपस, ठीक है। अगला है आपका कि 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जी की मूर्ति का उद्घाटन किया, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप सभी को पता होगा इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 182 मीटर है, ठीक है, जो कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रथम भारत के गृह मंत्री रहे थे और प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा मैं डिटेल से यहाँ पर बताया मैंने आपको, और मैं बता दूँ इसको कल मैंने टेलीग्राम पर भी अपने चैनल पर काफ़ी इसकी अपडेट्स दे दी थी आपको, तो इसका बता दूँ ये जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम गृह मंत्री भी रहे थे, ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका जो शिलान्यास 5 साल पहले 31 अक्टूबर 2017 में किया था, और मतलब 31 अक्टूबर इनका जन्मदिवस होता है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक है। अब और 31 अक्टूबर 2018 को मतलब यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा इसका उद्घाटन किया गया इस मूर्ति का, ठीक है। इस मूर्ति की जो कुल ऊंचाई है मतलब आधार से दो आपके 240 मीटर है, और जिसमें आधार है आपका 58 मीटर और जो मूर्ति की ऊंचाई है आपका 182 मीटर, ठीक है। और जो यह स्मारक है सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है, ठीक है। और यह जो स्थान है आपका भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है, ठीक है, मतलब एक साधु बेट नामक स्थान पर है, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी का एक टापू है। और मतलब यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है, और भी याद रख रहे हैं ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर है, और स्प्रिंग टेंपल बुद्धा जो कि चीन में, इसकी 153 मीटर है, और उशुकु डब्ल्यू सी जापान जो कि 120 मीटर है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में उसकी 93 मीटर है, और द मदरलैंड कॉल्स रूस जो कि आपकी रूस में वो की 85 मीटर है, और क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील 39.6 मीटर है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इस पर समर्पित है आपकी 182 मीटर है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें, इसके लिंक को ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।